दीपालपुर के पास बारिश में रुद्रखिया गांव से देवरा खेड़ी पहुंच मार्ग जिसमें किसानों के खेत भी थे। इस मार्ग से किसानों ने करीब 1 से 2 किलोमीटर रोड पर आपसी सहयोग से मुहर डाली। वहीं किसानों का कहना है कि इस रोड के बनने से हमें दीपालपुर पहुंचने में ज्यादा फायदा है। वहीं दूसरी ओर से जाने पर 12 से 15 किलोमीटर होकर जाना पड़ता है। अगर किसी बीमार को ले जाना हो तो रुद्रखिया से देवरा खेड़ी रोड सबसे अच्छा रोड है। किसानों का कहना है कि प्रशासन हमारे परेशानी को दूर कर इस रोड पर ज्यादा नहीं तो मुरम ही डाल दे। दीपालपुर से दीपक सैन की रिपोर्ट। ये हमारा रास्ता मतलब ये नहीं कर रहे थे, मदद नहीं कर रहे थे कोई भी आगे आके। हमने गांव के वरिष्ठों ने युवाओं ने मिलकर फिर ये रास्ता बनाया जन सहयोग करके, और हमको बहुत परेशानी थी बरसात के दिन बारिश के दिन इसकी परेशानी थी, इसलिए हमने गाँव के पूरी रोड बनाया। इस रोड की सख्त जरूरत है, हम बहुत परेशान थे, हमने बनाया है रोड है और इसमें हमको बहुत परेशानी थी। हमने इस बार इसको है ना बहुत बार विधायक से और सरपंच से मंत्री से इसे सबको किया कि भैया ये रोड जोड़ो, हमको बहुत तकलीफ है, ये परेशानी हमको दिक्कत आती है इसमें, हमारे जाने की बहुत तकलीफ है, हमारे तहसील में जाने की तकलीफ है। हम मतलब हमेशा परेशान रहते थे, हमारा माल भी नहीं बिकता था और बारिश में बहुत परेशान थे हम, इसलिए हमने गांव का सहयोग करके और आकर तक ये पत्र डाले, सभी वरिष्ठों से चंदा लिया और ये फिर चंदा से डाला है इतना, और हमको इस रोड की बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत परेशान है हम और इसमें कोई सुनवाई नहीं करता हमारी। आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ? अरे कहाँ, पहले विधायक से भी की थी और सरपंच को भी किया और हर आदमी से हमने शिकायत ये मतलब की पहले, जैसे कोई भी चुनाव में आता था अधिकारी उससे बात करते थे कि हमारे रोड की ज़रूरत है, तो किसी ने हमारी कोई सुनी नहीं, आज तक इस रोड को कोई बनाने वाला ही नहीं आया, तो इसलिए हमने गांव का चंदा करके और इस रोड को फिर बनाया। वो बात तो बहुत दूर है, बाकी पहले मतलब हमको मतलब माल में जाने के लिए ट्रैक्टर ही नहीं निकालते हैं, यहाँ से इधर ट्रैक्टर निकालने की परेशानी, अगर कोई मतलब बीमार दुखी हो जाए तो हमको परेशानी, हमारा मतलब ट्रैक्टर भी माल में नहीं जा सकता, हमारे पास अफत हो आए बहुत ज्यादा अफत में परेशानी में हम, इसलिए हमने करा इतना बड़ा आगे ये हमको सरकारी ट्रैक्टर लगा के हमने निकाल लिया, वो परेशानी और कुछ भी नहीं, और अगली बार अगर कोई सुनेगा नहीं तो फिर हमको हमारा रोड इस बार में वोट भी नहीं करेंगे किसी।